भाई 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 हुकूमत तेलंगाना की तरफ से साल 2015 के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल अवार्ड के लिए जनाब सैयद विकारुद्दीन साहब को चुना गया है, जो कि हैदराबाद के रहनुमा दक्कन जो अखबार है, जो 5 दफ़ों से ज़्यादा उर्दू की खिदमत करता हुआ और कौम की खिदमत करता रहा है, उनको चुना गया है। उनकी गुनागू सलाहियतों की वजह से, उनकी गुनागू खिदमत की वजह से, कौम के लिए और मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए जो खिदमत हैं वो बेशबहा हैं। उसके लिए इत्तेफाक राय है जनाब सैयद विकारुद्दीन साहब चीफ एडिटर रहनुमा दक्कन को इस साल 2015 के मौलाना आज़ाद नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था। जनाब की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आप कल ना आ पाए, तो हुकूमत ने यह फैसला किया, जनाब डिप्टी सीएम साहब ने यह फैसला किया कि आपके घर पे आके आपको यह अवार्ड तफवीज करेंगे। तो यह अवार्ड आज ही तफवीज किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस तकरीब से, इस अवार्ड से मुंसलिक होने का मौका मिला। आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उनके नुमाइंदों ने इस अवार्ड के लिए चुना है। ये अवार्ड हमारे लिए बहुत मुकद्दस है। इस तरह आज़ाद हिंदुस्तान में मौलाना आज़ाद के चरित्र ऐसे हैं जिस तरह नाक है, हमारी नाक है वो, और उनकी तालीमत की अगर बारीकी से देखें तो उसमें हमारा हल है। उन्होंने आज़ादी के टाइम पे जो वार्निंग दी थी मुसलमानों को, वह सही साबित हो रही है और उससे हमारे मुसलमान बढ़ रहे हैं। आज जो तालीमत के अमल करते हुए उन्होंने दो खबी नजरे को सख्त मुस्तरद कर दिया था और मुसलमानों को मशवरा दिया था कि हिंदुस्तानी में रहें, हिंदुस्तानी में पढ़े लिखे करें, अपने सब कुछ करें। आज उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, इतना बड़ा काम इतना। आज सही पूछे आप तो मौलाना आज़ाद की तालीमत की आज जितनी सदी ज़रूरत है हमारे पहले नहीं थी। और दो लोग ऐसे हैं महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद, उनकी तालीमत की आज ज़रूरत हमारी ज़्यादा है और मौलाना आज़ाद की भी हमारी ज़्यादा है। और हमारा अखबार रोज़ अव्वल से फिरका परस्ती के खिलाफ आया है और पूरी कोशिश करते रहा है कि हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद कायम हो। और मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि ये अखबार अब 5-6 साल का हो गया है और इस पर लिखने वालों में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थी। जन्मदिन था, बर्थडे था, उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर उनका बर्थडे सारे हिंदुस्तान में मनाया गया और हमारी स्टेट में भी कई स्टेटों में यू में तालीम मनाया गया, कई स्टेटों में माइनॉरिटी डे मनाया गया और हमारी स्टेट में दोनों मनाया गया, यू में तालीम और यू में माइनॉरिटी डे। तो हमारी स्टेट में हमारे आनेबल सीएम साहब ने उनके नाम से एक इंटरनेशनल अवार्ड जो 2015 का है वो हमारे रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर जनाब विकारुद्दीन साहब को दिया है। और ये अवार्ड यकीनन क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब सबसे पहले एक जर्नलिस्ट थे, वो 16 साल की उम्र में एक अखबार निकाले थे ताकि लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप किया जाए और वो अवार्ड हम यही चाहते थे कि कोई बड़े एडिटर को दिया जाए। हमारी नज़र में सारे तेलंगाना में अगर सबसे कोई बड़े एडिटर है तो सैयद विकारुद्दीन साहब है। यकीनन उनका अखबार मैं समझता हूँ 6 साल मुकम्मल कर चुका है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी हिंदुस्तान की तहरीक में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो हिंदुस्तान के उस वक्त के कांग्रेस के सदर थे और कई बरस तक तकरीबन वो 8 बरस तक सदर रहे। इसके अलावा जब हिंदुस्तान बना तो उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम की भी मुखालफत की और मुसलमानों के लिए उन्होंने रोकते रहे, यही कह के हिंदुस्तान में तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। आज लोग देख रहे हैं कि उनकी बात एक एक बात सच्ची गुजर रही है और उन्होंने अपनी तहरीक में भी हमेशा इल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया। और उन्होंने जब तेलंगाना हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद वो पहले वज़ीर तालीम थे जो 11 साल तक मुसलसल वज़ीर तालीम रहे। उनके लिए सारे हिंदुस्तान में उनकी पैदाइश का दिन तालीम का दिन मनाया जाता है या जैसा माइनॉरिटी का डेवलपमेंट का दिन मनाया जाता है उसी तरह उस दिन काफ़ी अवार्ड दिए जाते हैं। और सबसे जो बड़ा अवार्ड था मौलाना आज़ाद नेशनल अवार्ड वो हमारे सैयद विकारुद्दीन साहब को दिया गया। यकीनन